आज के चुनावों के नतीजों में एक बड़ी स्टोरी जो निकल कर आई है वो है पंजाब की कहानी। और पंजाब में पिछले 50 सालों में इस तरह का रिजल्ट कभी नहीं आया, इतने बड़े मार्जिन से कोई पार्टी जीती हो। आंधी की तरह आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को गिरा दिया, धाराशाही कर दिया। प्रकाश सिंह बादल, मजीठिया, सुखबीर बादल सब अपनी सीटें हार गए। चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें दलित चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा था, कांग्रेस का, दो सीटों से हारे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रंधावा साहब भी अपनी सीट से हार गए। और नवजोत सिंह सिद्धू का जो हाल हुआ है वो तो शायद कांग्रेस पार्टी बहुत देर तक भूलेगी नहीं। और शायद नवजोत सिंह सिद्धू अपने जोक्स और ठोको ताली बहुत देर तक भूल जाएंगे। आज पंजाब के चुनावों का क्या मैसेज है और क्या संदेश है ये, और क्या इम्पैक्ट होगा नेशनल पॉलिटिक्स पर, इन चीजों पर, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आपको मनीष सिसोदिया जी। बहुत बड़ी जीत हुई है आम आदमी पार्टी की पंजाब में, और इस तरह का मार्जिन कभी देखने को मिला नहीं पिछले 50 सालों में। तो सिसोदिया जी, ये जो मंद मंद मुस्कान है आपकी, ये कौन सी कहानी बता रही है पंजाब की, जनता सुनना चाहती है? ये मुस्कान इस खुशी की वजह से है नविका जी, कि आज देश में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिस पे हम पिछले 7 साल से दिल्ली पे काम कर रहे हैं, उसको देश में मोहर लगी है, उसके राष्ट्रीय होने पर मोहर लगी है। वो दिल्ली से बाहर पंजाब में उस पर मोहर लगी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छी बात है कि पंजाब की पिछली रिवायती पार्टियों ने जिस तरह से वहाँ हंगामा मचाया हुआ था, अपने लिए बड़े बड़े हेलीपैड अपने घरों की छत पे बनाए, सुख विलास बनाए, लेकिन लोगों के लिए स्कूल तक नहीं बनवाए, तो वो बदलाव अब पंजाब में आएगा। पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसके तहत हम सब काम कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज राष्ट्रीय पहचान केजरीवाल जी के काम को मिली है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस जीत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि आपने बहुत सारे दिग्गजों को बिल्कुल धाराशाही कर दिया। क्या ये बाय डिजाइन था या बाय डिफॉल्ट था, या आंधी ऐसी आई कि उसने देखा ही नहीं, सारे पेड़ उखाड़ दिए? ये पंजाब की जनता ने किया है, उसमें आम आदमी पार्टी तो केवल एक क्रेडिबिलिटी के साथ जाके खड़ी हुई, और ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई जिनके रिकॉर्ड साफ थे, जिनके आंखों में भविष्य के सपने हैं, वो पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जाके खड़ी हुई और जनता को भरोसा हो गया। और जब जनता को भरोसा होता है तो आपने देखा 2015 में बहुत सामान्य लड़के लड़कियां जब टिकट लेके गए तो उन्होंने 20-20 25-25 साल पुराने MLAs को हराया। आज पंजाब में भी यही हुआ। तो जब आप क्रेडिबल विकल्प बनते हैं, जब आप एक ऐसी राजनीति करते हैं, ऐसी गवर्नेंस की उम्मीद जगाते हैं जिससे लोगों को लगता है इससे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, मेरे लिए स्कूल खुलेंगे, मेरे लिए कॉलेज खुलेंगे, मेरे लिए हो सकता है रोज़गार निकलेंगे, या कोई व्यापारी सोचता है मैं अभी तक रिश्वत दे के काम चलाता था, अब मुझे बिना रिश्वत दिए काम चलेगा, तो वो सब इकट्ठे होते हैं। और आज पंजाब में यही हुआ है। ये बड़ा बदलाव पंजाब लाया है, आम आदमी पार्टी नहीं लाई है, पंजाब की करामात है, ये पंजाब का करिश्मा है। मनीष सिसोदिया जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, अमृतसर में जाकर आपने कैंप किया और अमृतसर के इलाके में ही नवजोत सिंह सिद्धू की हार हुई, वहाँ पर एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर भी आपकी बहुत डिबेट चली परगट सिंह जी के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ कि अमृतसर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं अमृतसर में रहा, पंजाब के कई और हलकों में भी गया, लेकिन मूलतः मैं अमृतसर पूरा बेल्ट जो है, मैं जब 2017 में माझा में जाता था, पंजाब माझा और उन सब अलग अलग एरियाज में डिवाइड है, तो अमृतसर बेल्ट में जब मैं 2017 में चुनाव प्रचार के लिए जाता था तो वहाँ वो रेस्पॉन्स लोगों से नहीं मिलता था। और इस बार जो रेस्पॉन्स मिल रहा था, इस बार तो मैं गाँव में जाता था तो मैं सोचता था गाँव के मुद्दे पे बात करूँ, और लोग मुझे कहते थे देखो आप दिल्ली से आए हो ना, आपने दिल्ली में एजुकेशन पे अच्छा काम किया है, हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनवा देना, हमें 70 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी है हमारी, जाना पड़ता है कॉलेज हमारे बच्चों को, हमें अपने गाँव में यूनिवर्सिटी, अपने इलाके में यूनिवर्सिटी चाहिए। तो लोगों की उम्मीद दिल्ली के काम से बहुत बढ़ गई थी और लोगों का भरोसा बढ़ गया था, ये बात मुझे अमृतसर और पूरे आसपास के इलाकों में देखने को मिली।
मनीष सिसोदिया जी, हमेशा से ये कहना था आम आदमी पार्टी का कि दिल्ली में पूरी स्टेटहुड नहीं है, तो काम करने का अवसर जो है वो थोड़ा कर्टेल्ड रहता है। क्या पंजाब में ये इशू नहीं रहेगा, पूरा राज्य है और पूरे राज्य को चलाना होगा, कम से कम ये शॉर्टकमिंग तो नहीं रहेगी और पूरा गवर्नेंस का टेस्ट होगा, इसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? देखिए, केजरीवाल जी की गवर्नेंस मॉडल में एक बड़ी खास बात यह है कि हम एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते हैं। हमने दिल्ली में भी वस्तु स्थिति रखी कि भाई पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद काम किया। आधी अधूरी सरकार होने के बावजूद हमारे पास ट्रांसफर पोस्टिंग तक के राइट्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ऐसा काम करके दिखाया जैसा फुल फ्लेज्ड स्टेट्स में कभी बीजेपी और कांग्रेस करके नहीं दिखा पाई। आज पंजाब में मौका मिला है, पंजाब पूर्ण राज्य है, पंजाब में लैंड से लेके सर्विसेज से लेके पुलिस तक सब कुछ अधिकार चुनी हुई राज्य सरकार के पास में है। निश्चित रूप से आज अगर हाफ गवर्नेंस राइट्स वाली स्टेट में दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऐसा हो गया जिसको लोग पूरी देश में बात कर रहे हैं, तो कल को दिल्ली का मॉडल केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और पंजाब का मॉडल केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसमें भगवंत मान का काम होगा, वो सब जब देश के सामने जाएगा तो एक बहुत बड़ी ऐसी मिसाल बनेगा कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां या तो इस लाइन पे चलने को मजबूर होंगी, नहीं तो जनता इनको बदलेगी। मनीष सिसोदिया जी, कुछ ऐसे ट्विटर पर सवाल आ रहे हैं हमें जो कहते हैं कि अब तो पराली नहीं जलेगी पंजाब में और दिल्ली की हवा दूषित तो नहीं होगी, क्योंकि अब तो दिल्ली भी आपकी, पंजाब भी आपका। पराली का भी समाधान मिलकर निकालेंगे, और जिन किसानों को इसका विलेन बनाया जाता था वहाँ की सरकार द्वारा, जिनके पास खेतों में पराली जली पड़ी रहती थी उनको विलेन बनाया जाता था, जबकि सरकार का फेलियर था, सरकार किसानों के साथ खड़े होकर इसका वहाँ समाधान निकालेगी। मनीष सिसोदिया जी, जाने से पहले आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्या ये एंट्री है अरविंद केजरीवाल जी की नेशनल पॉलिटिक्स में? हालांकि 20 सीटें हैं लोकसभा की पंजाब और दिल्ली मिलाकर, तो क्या इस राज्य में जीतने के बाद अब पूरी तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में उतरेंगे केजरीवाल जी, मोदी के चैलेंजर बनेंगे 2024 में? देखिए, 2024 या नेशनल पॉलिटिक्स, ये हमारे लिए बहुत अभी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम सोचना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी इस वक्त सोचना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे भरोसा करके पंजाब के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है। पंजाब में लोगों की उम्मीदों पे जो केजरीवाल जी ने गारंटी दी है उन पे काम कैसे तेज़ी से शुरू किया जाए, हमारी ये है। लेकिन आपके सवाल के जवाब में इतना ज़रूर कहूँगा कि आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है, एक राष्ट्रीय पहचान मिली है। केजरीवाल जी इंडिविजुअल नहीं है, केजरीवाल जी एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस हैं, तो आज देश में लोगों ने उसको स्वीकारा है। दिल्ली में उन्होंने काम किया, लेकिन दिल्ली के बाहर पंजाब में स्वीकारा है, गोवा में लोगों ने दो एमएलए जाते ही पहली बार चुनाव लड़ने पे दो एमएलए और इतने सारे वोट्स दिए, ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है गोवा जैसे राज्य में दिल्ली से जाके और दो एमएलए जीत जाए, तो गोवा के लोगों ने भी बहुत सम्मान दिया। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक नेशनल पहचान बना रहा है, ये आज का मैसेज क्लियर है। गोवा की गुजरात की टिकट कट गई आपकी, हिमाचल और गुजरात की? वो भी टिकट कटेंगी अभी, अभी पहले पंजाब में शपथ लेने दें सरकार को, पंजाब सरकार वो काम करना शुरू करे जो प्रोमिसेस किए हैं। हमारी प्रायोरिटी अभी पंजाब के लोग हैं, बाकी जगह हम चाहेंगे कि इस मॉडल के बारे में चर्चा हो, इसको देखें लोग और फिर देखें कि उन्होंने जिन लोगों को चुना पहले, कांग्रेस को चुना, बीजेपी को चुना, उन्होंने उसमें से कुछ किया क्या? किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो एक विकल्प उपलब्ध है। मनीष सिसोदिया जी, आप थोड़ा सा सावधान होकर बोल रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज कह ही दिया था मंच से और कहा था कि एक राष्ट्रीय इनकलाब आने वाला है पूरे देश के स्तर पर। पब्लिक है ये सब समझती है, इसका मतलब क्या है? मैं सवाल ये पब्लिक पर छोड़ती हूँ कि वो क्या समझती है, अरविंद केजरीवाल यहाँ से जो टेक ऑफ हुए हैं वो कहाँ पर लैंड करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको भी और आपकी पार्टी को भी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।